नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या कहें सीडीएस चुने गए हैं। ये चुने गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी। ये रिटायर हो चुके हैं, इनको दूसरा सीडीएस नियुक्त किया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। इन्हीं को क्यों चुना गया, इसके पीछे चार वजहें हैं। ये चार वजहों को आज हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ सीडीएस क्या होता है, सीडीएस क्यों नियुक्त किया जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, कब से इसकी मांग उठी और कब ये शुरू हुआ, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब तक आपको पता ही चल गया होगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी ये अपॉइंट किए गए हैं नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होने के अलावा ये साथ ही साथ ये सेक्रेटरी का भी काम करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में ये सचिव भी नियुक्त किए गए हैं। ये नियुक्त किए गए हैं दोस्तों जनरल बिपिन रावत जी के बाद, यानी दूसरे नंबर पर। जनरल बिपिन रावत जी भारत के पहले सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, लेकिन दिसंबर में दोस्तों, दिसंबर 2021 में अनफॉर्चुनेटली एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इनका निधन हो गया और उसके बाद से लगभग 10 महीनों तक ये पद खाली पड़ा रहा और तब से 10 महीनों के बाद अब जाकर के इनकी जो सीट है वो फिल की गई है, यानी सीडीएस का पद चुना गया है, एक दूसरे सीडीएस चुने गए हैं 10 महीनों के खाली रहने के बाद। सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि तीनों सेनाओं के जो चीफ होते हैं, डिफेंस स्टाफ के जो चीफ होते हैं उन्हें कहा जाता है सीडीएस। इसको इसीलिए बनाया गया है जिससे दोस्तों तीनों सेनाओं में कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जा सके और तीनों सेनाओं को आपस में एक साथ मिला करके तब किसी दुश्मन देश के खिलाफ यूज किया जाए या लड़ाया जाए। ठीक है, क्या होता क्या है कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी जो है, ये तीनों में अगर जब कोऑर्डिनेशन होता है ना, तब वो देश और ज्यादा मजबूती से सामना कर सकता है किसी और देश के खिलाफ। इसकी डिमांड बहुत पहले से ही उठती आ रही थी। जब हम लोगों ने कारगिल युद्ध जीता, तो कारगिल युद्ध जब जीता हम लोगों ने, तो उसके बाद उससे कुछ गलतियां हम लोगों ने सीखने का प्रयास किया। कारगिल युद्ध के बाद जो कमेटी बैठाई गई थी, कारगिल रिव्यू कमेटी और नरेश चंद्रा टास्क फोर्स और लेफ्टिनेंट जनरल डीबी साकेतकर की कमेटी जो थी, इन सब ने रिव्यू किया कि हमें एक ऐसे पद की जरूरत है जो तीनों सेनाओं में कोऑर्डिनेशन स्थापित कर सके। क्योंकि कारगिल वार में एक ग्लिच हमारा सामने निकल करके आया था कि इंडियन आर्मी तो लड़ रही थी लेकिन उसको एविएशन सपोर्ट नहीं मिल पाया था, इंडियन एयरफोर्स का उस तरीके से सपोर्ट नहीं मिल पाया था जितना चाहिए था। तो इस वजह से अगर एक कहीं ना कहीं सीडीएस पद होता तो फिर इससे बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता था और इससे हम लोग बहुत जल्दी कैप्चर कर लेते उस रीजन को। हमारे जवान जो है वो नीचे थे और ऊपर से गोलियां बरस रही थी, इस वजह से इंडिया को ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। फिलहाल बाय द वे हम लोगों ने कारगिल हिल पर दोबारा से कब्जा जमाया और उसके बाद से दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन ये पद राजनीति का शिकार होता गया और आते आते भी बहुत देर लग गई। जब ये पद आया तब तक 20 साल गुजर चुके थे। 1 जनवरी 2020 से दोस्तों जनरल बिपिन रावत जी का कार्यकाल शुरू हुआ और अभी लगभग 2 साल ही बीते हुए थे कि इनका निधन भी हो गया। 2020 और 2021 के दिसंबर मंथ तक ये रहे और इसके बाद इनका निधन हो गया। फिलहाल 10 महीनों के बाद इंडिया को नया सीडीएस मिल गया है। अच्छा, नया सीडीएस आने से पहले कुछ अमेंडमेंट भी किया गया, इसके नियमों में भी कुछ चेंजेस करे गए। जैसे अभी तक क्या था कि सीडीएस का जो पद होता था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता था, वो नियुक्त किया जाता था, ठीक है, लेकिन उसमें ये कहीं से कंडीशन नहीं लिखी गई थी कि जो सीडीएस नियुक्त किया जाएगा वो रिटायर होना आवश्यक है, मतलब कि वो अभी किसी के पद पर ना हो, ठीक है, मतलब किसी भी भारत की तीनों सेनाओं के किसी भी पद पर वर्तमान में ना हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं लिखा गया था। लेकिन इस बार का अमेंडमेंट में ये लाया गया कि अभी वो जो हो वो रिटायर्ड हो, कंडीशन में हो, उसके बाद ही उसे नियुक्त किया जाए। दूसरी चीज, एज में भी रिलैक्सेशन दी गई है। पहले 62 ईयर के एज तक होता था मैक्सिमम, अब एलिजिबिलिटी बढ़ा करके 65 ईयर तक कर दिया गया है, मैक्सिमम 65 ईयर तक कर दिया गया है या फिर अगले आदेश तक। अगले आदेश बोले तो जब चाहेगी सरकार तब हटा भी सकती है, चेंज भी कर सकती है, लेकिन मैक्सिमम अगर देखा जाए तो उम्र का 65 वर्ष तक कोई सीडीएस रह सकता है। तो ये सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में बात थी। अब बात करेंगे हम लोग कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को ही क्यों, यानी इन्हीं को सीडीएस क्यों नियुक्त किया गया। तो उससे पहले हम लोग लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इनके पास सेना में काम करने का 40 साल से ज्यादा का अनुभव है, जो कि बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ, एनडीए खड़गवासला और आईएमए देहरादून से पढ़े हुए हैं। 1981 में भारतीय सेना को ज्वाइन किए 11वीं गोरखा राइफल्स में। इंटरेस्टिंग बात देखिए, सिमिलरिटी देखिए, उत्तराखंड के ही विपिन रावत जी भी थे
और गोरखा राइफल से उनका भी नाता रहा था। फिलहाल वो तो मात्र एक संयोग है। यहाँ पर अनिल चौहान जी जो है दोस्तों, ये आतंकवाद रोधी अभियानों में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं अपने पास। पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रहने के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद में कमी लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। एक टाइम पर दोस्तों पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत ज्यादा उग्रवादी घटनाएं हुआ करती थी, लेकिन बतौर डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, ये ऑपरेशन सनराइज चलाए और इसके मुख्य कर्ता धर्ता थे। भारतीय सेना और म्यांमार सेना ने मिल करके जो बॉर्डर एरिया में उग्रवादी रहा करते थे उनको नेस्तनाबूद किया। कई बार वहां पर भी स्ट्राइक्स हुई। बालाकोट जो स्ट्राइक हुई थी उसमें भी प्लानिंग कमेटी में इन्हें भी शामिल किया गया था। इनके करियर के एंड में ये 31 मई 2021 तक काम किया और 31 मई 2021 को ये रिटायर हुए। अब इसके बाद अब इन्हें सीडीएस नियुक्त किया गया है, यानी कि कोई भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, रूल हो चुका है कि कोई भी जो रिटायर्ड रहेगा उसे नियुक्त किया जाएगा। दूसरी चीज, एक और कंडीशन है कि 3-स्टार रैंक के ऊपर का ऑफिसर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी को भी नियुक्त कर दिया जाए, 3-स्टार रैंक के ऊपर का होना चाहिए। तो इनको नियुक्त किया गया है। ये सभी चेंजेस के बाद अब फाइनली ये नियुक्त किए गए। अब बात आती है कि नए सीडीएस के पास चुनौतियां क्या क्या हैं। तो इनके सामने दोस्तों चार बड़ी चुनौतियां होंगी। एक तो पहला चीज ये कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के इंटीग्रेशन को पूरा करना होगा, यानी तीनों में सामंजस्य बैठाना ये बहुत जरूरी है। भारत सरकार 5 थिएटर कमांड बनाने पर काम कर रही है, इस काम को आगे ले जाने पर भी इनका काम होगा। तीनों सेनाओं के मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस को तेजी से आगे बढ़ाना होगा। हमारी सेनाएं कैसे मॉडर्न हो सकती हैं, कैसे तेजी से आगे बढ़ सकती हैं, एडवांस इक्विपमेंट क्या दिए जाएं, हथियार क्या दिए जाएं, इसको, इसके प्रोसेस को तेजी से इनको बढ़ाने की जिम्मेदारी मिलेगी। साथ ही साथ आपने देखा अभी एफ इंसास सिस्टम जो मिला था इंडियन आर्मी को, एफ इंसास सिस्टम बहुत ही हाईटेक सिस्टम था। ठीक है, मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाई, आप उसको देख भी सकते हैं। तो ऐसे ही तीनों सेनाओं को कैसे मॉडर्नाइज किया जाए, क्या क्या उनकी जरूरतें हैं उसको समझा जाए और सरकार को बताया जाए, जिससे सरकार जो है वो उचित देश से डील करके उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। ये तीन जरूरी चीजें थी। चौथी जो थी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा चर्चे का विषय बना हुआ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर सेना में देखो, अगर इंडियन स्वदेशी रक्षा खरीद होता है, स्वदेशी रक्षा खरीद को बढ़ाया जाता है, या भारत में स्वदेशी अगर जो प्राइवेट जो डिफेंस कंपनियां हैं उनको, उनसे भागीदारी बढ़ाई जाएगी, उनसे सामान खरीदे जाएंगे, तब इससे कहीं ना कहीं इंडिया को और ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने देखा एक बख्तर बंद गाड़ी जो है टाटा ने बनाई है इंडियन आर्मी के लिए। टाटा ने एक बहुत ही खास बख्तर बंद गाड़ी बनाई हुई है और जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल है, खास करके उन पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए, चाइना जैसी सेनाओं से लड़ने के लिए। तो वो बहुत ही एडवांस तरीका है, एडवांस रूप से बनाया गया है। ऐसे ही भारत की और भी कंपनियां अगर आएंगी तो हम लोग को स्वदेशी रक्षा खरीद पर एक बढ़ावा मिलेगा इसको। ठीक है, हम लोग विदेशों पर डिपेंड नहीं रहेंगे। दूसरी चीज, जब कभी का क्या होता है कि हम लोग का जब इक्विपमेंट कहीं से डील करते हैं किसी देश से, और समय के साथ साथ अगर मान लीजिए उसकी कलपुर्जों में कोई खराबी नजर आती है, कोई कमी नजर आती है, तो हमें उस देश पर डिपेंड रहना होता है कि अपग्रेड वर्जन वही दे पाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रसिया है, तो ऐसे में क्या होगा, अगर हम लोग आत्मनिर्भर रहेंगे, आत्मनिर्भरता पर फोकस करेंगे, भारत की कंपनियों से अगर कोई इक्विपमेंट लेंगे तो हमें दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं रहना होगा, और उनके दबाव में, दूसरे देशों में के दबाव में कई बार क्या होता है कि हम लोग जो सामान उनसे खरीदे रहते हैं उनकी अपग्रेडेशन को लेकर के हमारी पूछ एक प्रकार से दबी रहती है उनके नीचे। इस वजह से वो कई बार इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हम लोग का फायदा उठा लेते हैं और वहां पर हमें सपोर्ट दिखाना पड़ जाता है। तो ऐसे में जब हम लोग आत्मनिर्भर रहेंगे, अपने ही देश के बने सामानों पर अगर डिपेंडेंट रहेंगे, तो फिर हमें किसी दूसरे देश के सामने कभी भी झुकना नहीं होगा। तो ये चार सामने बड़ी चुनौतियां होंगी नए सीडीएस के प्रति, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी ने कहा भी है, आई विल ट्राई टू फुलफिल एक्सपेक्टेशन ऑफ 3 सर्विसेज। ये तीनों सेनाओं के जो एक्सपेक्टेशन है उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। फिलहाल आपका इस पर क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। इसके अलावा नवरात्रि सेल चल रहा है और आज है आखिरी दिन। अगर आप कूपन कोड में माँ दुर्गा एंटर करते हो तो MGT ऐप पर अगर आप कोई सी भी ईबुक लेते हो या कोई सी भी वीडियो कोर्स लेते हो तो उस पर आपको सिर्फ 60% का डिस्काउंट मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आज के लिए ही। अभी 2 नए कोर्स लॉन्च हुए हैं, एक तो GS स्पेशल बैच आया हुआ है SSC CGL के लिए, ये आज के लिए सिर्फ और सिर्फ 199 कर दिया गया है। तो आप इसका फायदा उठा सकते हो SSC CGL GS बैच का। सबसे जरूरी बात तो ये है कि इसमें 20,000 से ज्यादा वैकेंसीज आई हुई है CGL में इस बार, और इतना CGL के इतिहास में अभी तक कभी देखने को नहीं मिला है।
नया पैटर्न भी है, नया सिलेबस भी है, बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। तो इसमें आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अब आगे आने वाले टाइम पर इतनी बड़ी वैकेंसी शायद आपको सीजीएल में ना देखने को मिले। सीजीएल बहुत अच्छी पोस्ट देता है, बहुत अच्छी नौकरी देता है, आप इनकम टैक्स ऑफिसर से लेकर बहुत सारे जॉब इसमें पा सकते हो उसके थ्रू। तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो 199 में सिर्फ और सिर्फ आज के लिए किया गया है। आप रेट पर भी मत जाओ, ये मत समझना कम दाम है तो फिर वैल्यू कम रहेगी। आप कंटेंट में कभी भी कोई कमी नहीं पाएंगे एमजेटी एजुकेशन के द्वारा। जाइए एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और कोई भी अगर डाउट हो, प्रॉब्लम हो, इशू हो, व्हाट्सएप का नंबर उसी में आपको मिल जाएगा, तुरंत आप कॉन्टेक्ट कर सकेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।